नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। विधानसभा सत्र से विपक्ष का वॉकआउट, कांग्रेस का आरोप, कांग्रेसी विधायकों को बोलने का नहीं दिया गया समय। विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। हेल्थ में कोरोना अटैक, 6 कर्मचारी आए पॉजिटिव। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से पहले लोक सेवा आयोग को देनी होगी जानकारी। गर्भवती, बच्चे और बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे दर्शन, 10 से खुलेंगे प्रदेश के मंदिर, डीसी बिलासपुर ने दी जानकारी। एक दिन में 500 श्रद्धालु ही कर पाएंगे मां चिंतपूर्णी के दर्शन, गर्भगृह में 2 पुजारियों को ही बैठने की अनुमति। पौंटा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर 1,10,000 जुर्माना वसूला। शिव मंदिर का दान पात्र ले भागे चोर, नदौन की कलूर पंचायत में शातिरों ने लगाई सेंध। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आखिर में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कोरोना पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के कारण लगातार दूसरे दिन प्रश्नकाल नहीं हो पाया। विपक्ष इसलिए नाराज था कि कई कांग्रेस विधायकों को बोलने का समय नहीं दिया गया और सत्र बिना एक्सटेंड किए 5 बजे स्थगित कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार सुबह इस मामले में जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने की। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बाद में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर ज्ञापन दिया। सेशन बिल्कुल चलेगा और सेशन में जो पूरे प्रदेश में हुआ है उसका कच्चा चिट्ठा हिमाचल प्रदेश की जनता के दरबार में रखा जाएगा कि इस सरकार का ऐसे मौके पे हिमाचल प्रदेश में होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निशान है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए ये सारी बात अंदर रखी जाएगी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रखी जाएगी। आप देख रहे हैं कि किस ढंग से जो है माफिया चल रहा है, गोलियाँ चल रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है और ये सारे लोग जो है ये निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है, तानाशाही। और कोविड ने इनको जो है ऐसा लगता है जैसे कोई लाइसेंस दे दिया कि तुम कुछ भी करो, लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे लोग आए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हालात बन गए हैं, जिस ढंग से लोग परेशान हैं, जिस ढंग से भाजपा के लोगों ने लूट मचा दी है और जिस ढंग से लोग कोविड क्वारंटाइन सेंटरों में मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, तो ये सारे जो हालात है, ये हिमाचल सबसे सेफेस्ट राज्य था, ये बिल्कुल एंड में है, लेकिन किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा तक जो है ये केसेस पहुंच गए। ये सिर्फ किस क्यों पहुंचे? इस सरकार की वजह से। इस सरकार ने जब टूर किया सारे प्रदेश को संक्रमित कर दिया, इनके मंत्रियों ने, इनके चेयरमैनों ने और इनके जो प्रवक्ता लोग थे, दूसरे लोग थे, इनका जो जिस ढंग से इन्होंने सत्ता चलाई उसका विरोध करने के लिए लोग आए हैं कि भाई आप लोग जो है तरीके से सरकार चलाओ, ये उसका विरोध है। अब होगा हिमाचल प्रदेश का, उसमें जयराम सरकार को जाना ही जाना है। हम कहते हैं आप जो है नाकाम हुए हैं, आप जो है नैतिक आधार पे खुद ही चले जाओ। शिमला में अब स्वास्थ्य विभाग में कोरोना अटैक हुआ है। सचिवालय में हेल्थ बी ब्रांच के 2 और हेल्थ मिशन निदेशालय कुसुमटी में 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 आज पॉजिटिव निकले हैं जबकि 1 केस कल का है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी की भी बाहर की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से करवाई जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें परीक्षा से पहले यदि कोई अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या उसमें किसी भी तरह के लक्षण आते हैं तो इस बारे में लोक सेवा आयोग को हर हाल में सूचित करना होगा। इसके साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी होम क्वारंटीन भी है तो इस बारे में भी बताना होगा, उसे फ़ोन नंबर के साथ पूरी डिटेल भी देनी होगी। लोक सेवा आयोग के टेलीफोन 0177-262-786 और 262-978 पर और लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर इस बारे में सूचित करना होगा। गौर रहे, सितंबर को HS की परीक्षा होनी है, इसके साथ ही अगले 2 माह में भी कई परीक्षाएं होनी हैं। इसके लिए सभी एहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हैं।
10 सितंबर से मंदिरों को खोला जा रहा है। इसके चलते बिलासपुर के उपायुक्त ने बैठक कर इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के अनुसार श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों में जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मंदिर में आने की अनुमति नहीं होगी। यदि वे आते हैं तो उन्हें अंदर जाने और लाइन में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं का पंजीकरण तथा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी तथा दिव्यांगों को दर्शनों के लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के मारकंडे मंदिर और रुक्मणी कुंड में श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि श्री नैना देवी व अन्य मंदिरों में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 10 सितंबर से मां चिंतपूर्णी मंदिर को खोलने की तैयारी के बीच जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंदिर खुलने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए श्रद्धालुओं से लेकर दुकानदारों तक के लिए SOP जारी की गई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक चिंतपूर्णी मंदिर में प्रतिदिन 500 श्रद्धालुओं को ही दर्शनों की अनुमति होगी। चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में जा सकेंगे, जबकि फ्लू जैसे लक्षणों वाले श्रद्धालुओं को अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा और उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होगी। सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण के लिए उन्हें नए बस अड्डा के समीप चिंतपूर्णी सदन अथवा प्राधिकृत क्षेत्र में पंजीकरण एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु संपर्क करना होगा। पांवटा साहिब में पुलिस विभाग के साथ साथ खनन को रोकने के लिए वन विभाग ने भी कमर कस ली है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है, जिसके चलते 2 दिनों में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टरों के चालान कर 1,10,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। वन विभाग की छापेमारी से खनन माफिया में खलबली मच गई है। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र कोहला के पास लगते कलूर पंचायत क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर में सोमवार देर रात अज्ञात लोगों ने दान पात्र को चुरा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार सुबह उस समय घटना का पता चला जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे, जिन्होंने इसकी सूचना अन्य लोगों को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि मंदिर में रखा दान पात्र गायब है। उन्होंने बताया कि गांव के इस मंदिर में पैसे चुराने की ये 3री घटना है। इससे पहले भी 2 बार यहां चोरी की घटना हो चुकी है।